नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे चैनल जर्नलिज्म गाइड में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आप गुजरात से हैं और गुजराती चैनल्स देखना ज्यादा पसंद करते हैं तो आपके लिए बेहद खुशखबरी की बात हो सकती है, क्योंकि नया चैनल कलर्स गुजराती सिनेमा लॉन्च होने वाला है। बताना चाहूंगा दोस्तों, इसका जो लाइसेंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने ग्रांटेड कर दिया है। वीआर कमेटी ने इसका लाइसेंस जो अप्रूवल कर दिया है और इसके लिए उन्होंने अप्रूवल जो थी वो MIB से, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग से मांगी थी और उन्होंने भी इसको अप्रूव कर दिया है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा आपके सामने जो पिक्चर शो हो रही है लाइसेंस की, और ये जो चैनल है ये माई कैम के नाम से चैनल था उसकी जगह पे रिप्लेस किया जाएगा। माई कैम चैनल जो है वो सैटेलाइट इंटरसेट 20 पर अवेलेबल है और वो स्क्रीमबल्ड है। तो दोस्तों वो चैनल जो है वो कलर्स गुजराती सिनेमा में तब्दील होगा और डीटीएच ऑपरेटर्स में अवेलेबल होगा। दोस्तों इसकी लॉन्चिंग डेट क्या रहने वाली है वो अभी तक हमें सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे कि उनको लाइसेंस मिल चुका है तो इससे साफ जाहिर होता है कि जल्द से जल्द ये चैनल लॉन्च हो जाएगा और हमारे डीटीएच प्लेटफॉर्म से हमें देखने को मिलेगा। डीटीएच प्लेटफॉर्म्स में नहीं बल्कि हमारे केबल नेटवर्क्स में भी देखने को मिलेगा, यहाँ तक GTPL केबल जो कि गुजरात में काफी फेमस है वहां पर आप देख सकते हैं। दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार से थी, यदि हमें और कोई जानकारी आती है तो जरूर शेयर करूंगा। नमस्कार।